चलिए सर, हाँ हेडिंग डालेंगे आज सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी के एन टर्म्स का अगर अपने को सम निकालना है, क्या निकालना है भाई? एपी के एन टर्म्स का क्या निकालना है अपने को? सम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? आपने एपी पता है पूरा अपने को? अरे एपी पता है ना कि नहीं पता है? चलो ध्यान दे, अब सर हाँ प्लीज ध्यान दो भाई, बातें ना सर जी, प्लीज फोकस करें इधर, नहीं तो अमित शाह के पास भेज दूंगा मैं आपको, फिर मंत्रालय संभालेंगे बैठ के वहां पे। हाँ ध्यान दीजिए, सभी दिखाई पड़ रहा है भाई? दिखाई पड़ रहा है ना? हाँ तो बेटा अगर मैं एपी का अगर सम निकालो भाई, मैंने मैंने बोला कि सर मान लो कोई एक एपी है, क्या है? कोई एपी है, एपी का फर्स्ट टर्म क्या है? ए है। सेकेंड टर्म क्या है भाई? ए प्लस डी। तो थर्ड टर्म क्या होगा? फोर्थ टर्म क्या होगा? फाइव टर्म क्या मिलेगा? तो भाई अगर मैं एन टर्म की अगर मैं बात करूं तो ए प्लस, पक्का? इससे अब इसका सम निकालना है, क्या निकालना है अपने को? सम। अगर सम निकालना है एपी का तो मैं इनको बोल दूं सर कि लेट एस इक्वल टू, सम को मैंने क्या बोला? एस बोला। सम निकालना है तो भैया यहां पर साइन क्या हो जाएगा? प्लस होगा या नहीं होगा? अरे बोलो यार, प्लस होगा या नहीं होगा? यहां पर साइन क्या देंगे? प्लस दोगे, पक्का? अब सर इससे पहले का टर्म किससे भाई? अरे भाई इससे पहले वाला टर्म क्या होगा? अब ये क्वेश्चन मार्क है ना सर? बताओ इससे पहले का जो टर्म होगा उसमें फर्स्ट टर्म होगा या नहीं होगा? ए होगा। अरे भैया हर जगह तो है ए, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी। तो इससे पहले वाला टर्म क्या होगा? ए होगा प्लस, क्योंकि सर ये इससे पहले है। नहीं समझ में आया मास्टर जी? ठीक है भैया, ये ए प्लस थ्री डी है, इससे पहले है तो ए तो है, बट थ्री डी की जगह पर क्या लिखा? टू डी लिखा। ये इससे पहले है, इससे पहले ये है। अरे हाँ, तो फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी है, टू डी के प्लेस पे क्या मिला? डी मिला, मतलब एक कम हो रहा है। तो भाई ये एन माइनस वन है तो इससे पहले क्या मिलेगा? एन माइनस टू मिलेगा। क्या मिलेगा? एन माइनस टू। तो क्या लिखोगे? ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी। बोलो हाँ, होगा नहीं होगा? पक्का? कोई दिक्कत? अच्छा अब एक क्वेश्चन है कि सर अगर मैं एस इक्वल टू, अगर मैं लिखता हूं वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर इक्वल टू, कितना है भाई? फोर प्लस थ्री सेवन, प्लस टू नाइन, प्लस वन टेन। कितना मिल रहा है भाई? टेन मिल रहा। कल जाके भोदूराम एक जन ने पूछा कि सर मास्टर जी अगर आपने इनको ऐड किया तो टेन मिला, अगर मैं कल जाके सीरीज को अगर मैं प्लट दूं, प्लट दिया फोर प्लस थ्री सेवन, सेवन प्लस टू नाइन, नाइन प्लस वन टेन, क्या सेम मिल रहा है, डिफरेंट मिल रहा है भाई? मतलब अगर मैं सीरीज को अगर सीधा लिख रहा हूँ फिर अगर मैं बाद में प्लट दूँ तो सीरीज में कोई डिफरेंस आएगा क्या? सम में कोई डिफरेंस आएगा क्या? क्या नंबर का सम जो पहले 10 मिल रहा था अब 20 मिल रहा है क्या? अरे भैया पहले सम 10 मिल रहा था, अभी कितना मिल रहा है? 10 ही मिल रहा है ना, या 11 मिल रहा? क्या मिल रहा बेटा आप सामने है? कितना मिल रहा है? 10। तो सर अगर मैं यही अगर प्रोसेस अगर मैं यहां पर अगर रिपीट करूं, सर ये एक एपी है, एपी का सम है, अगर मैं इसके सीरीज को अगर मैं प्लट दूं, प्लट क्या कर रहा हूं मैं? प्लट दिया। अगर पलटा तो भैया इनके नीचे क्या मिलेगा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बोलो भोदूराम सही है? पक्का? चलो सर इसके नीचे क्या मिलेगा? ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी। बोलो भाई साहब सही है? पक्का? सर ये सिलसिला चलता जाएगा, चलता जाएगा। लास्ट में यहां पर क्या मिलेगा बताओ? ये लास्ट में क्या मिलेगा? इससे पहले a प्लस डी मिलेगा भाई, और यहां पर a मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? पक्का कंफर्म? यहां तक समझ में आया क्या? सर कैसे? अरे भैया देखो जहां वन था वहां फोर आया ना, तो जहां a है वहां पर लास्ट टर्म आएगा ना? अरे आया कि नहीं है? जहां लास्ट टर्म है वहां पे फर्स्ट टर्म आया ना, तो लास्ट टर्म जगह फर्स्ट टर्म आया ना? पक्का? अगर ऐसा अगर मैंने किया, अगर मैं इसको फिर ऐड कर दूं, क्या कर दूं भाई?
एड, अरे क्या करूं, ऑड, तो ऐड कर, एडिशन किया तो भाई एस प्लस एस 2s, अरे हाँ। अब भाई इसको ऐड करो, दिस टर्म एडेड विथ दिस, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, बोलो सही है, प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी, बोलो सही है, पक्का सर? ये सिलसिला चलता जाएगा, चलेगा नहीं चलेगा? अब भाई यहां पर क्या लिखोगे, ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी। भाई जो मैथ्स के प्रेमी है ना वो थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देंगे, जिनको लगता है बस फॉर्मूला रटना है और आंसर निकालना है, वो ज्यादा डेप्थ में मना जाओ, ठीक है? जिनको आगे लगता है कि नहीं यार मेरा फ्यूचर मैथमेटिक्स में ही है, वो भाई अपना फ्यूचर बनाओ यहाँ पे भाई, भविष्यवाण हो। तो भाई बताओ क्या मिलेगा, ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी, अरे हाँ, प्लस ए प्लस डी, बोलो हाँ। और लास्ट में क्या मिलेगा बेटा, दिखाई पड़ रहा सभी को, क्या लिखोगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस ए, कोई दिक्कत यहां तक? हाँ? क्या दिस टर्म, तो इसकी बात कर रहा है क्या? अरे भैया पैक मार के बैठा हुआ, ये इसके लिए था, ये इसके लिए था, समझ में आया? होश में रहे सर, सुबह सुबह ये काम नहीं करते सर। हाँ सर, चलिए सही है, चलिए एस प्लस एस टू एस, पक्का? अब एक टर्म का मैं पोस्टमार्टम कर रहा हूं, तो भैया देखो ए प्लस ए, जिस दिन इसका घर को तोड़ा, घर तोड़ सकता हूं भाई, ब्रैकेट एडिशन है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ए प्लस ए टू ए, ए प्लस ए टू ए, तो टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मिल रहा है नहीं मिल रहा है? पक्का? चलो वेरी गुड, बहुत अच्छे सर। अगेन फिर इसका घर में तोड़ा, तोड़ो ए प्लस ए टू ए, घर इसलिए तोड़ पा रहा हूं क्योंकि एडिशन है, मल्टीप्लीकेशन रहता है तो वो पावर मेरे पास नहीं है तोड़ने का, ठीक है? हाँ ए प्लस ए टू ए, अरे हाँ पक्का, अच्छा ये 2a हो गया, प्लस सर यहां ध्यान दो ये n माइनस टू डी है और ये प्लस डी है, अब समझ में नहीं आ रहा कैसे करेंगे, n माइनस टू डी है और ये d है, थोड़ा मैथमेटिक्स के दिमाग से सोचो, n माइनस टू डी बिना सॉल्व किए, अरे भैया n माइनस टू डी में अगर मैं एक डी अगर ऐड किया तो एन माइनस वन डी होगा ना, गद्दू राम एक बाम तीन काम, एन माइनस टू डी में अगर मैं एक डी अगर मैं ऐड किया तो एन माइनस वन डी होगा ना, एन माइनस टू डी में अगर मैंने टू डी अगर ऐड किया तो एन डी होगा ना, अरे गद्दू राम होगा नहीं होगा, पक्का? अब जिनको नहीं समझ में आया गरीब आत्मा हो, देखो इधर यहां पे एन माइनस टू डी है तो एन डी माइनस टू डी, और प्लस डी किया तो एन डी माइनस डी, डी कॉमन निकाल लिया तो एन माइनस वन डी हुआ, नहीं यही तो बोला था भाई, समझ में आया क्या? पक्का? तो यहां पे क्या लिखूं मैं बताओ, एन माइनस वन इंटू डी लिख सकता हूं क्या? पक्का? प्लस लास्ट वाला भाई साहब से मिल लेते एक बार, ए प्लस ए टू ए, कितना रे, अरे कितना, टू ए एन माइनस टू डी प्लस डी, फिर से वही गलती कर रहा हूं मैं, क्या मिलेगा, एन माइनस डी मिलेगा, डायरेक्ट लिख दो मैं, तो क्या लिखोगे, एन माइनस वन इंटू डी प्लस यहां ए प्लस ए टू ए, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, कोई दिक्कत? सर ये टर्म जो है मैं कितने टर्म का सम कर रहा हूं भाई, हेडिंग मैंने क्या डाला था, सम ऑफ एन टर्म्स, कितने टर्म का सम कर रहा हूं मैं, एन टर्म्स, तो भैया ये ए है ए है ए है ए है, कितने ए है, एन टाइम्स, कितना ए है, एन टाइम्स, तो भैया ये टर्म कितना टाइम्स आएगा, एन टाइम्स, कितना टाइम्स आएगा, एन टाइम्स, मतलब ये पूरा सीरीज जो है कितने टाइम्स हो रहा है, एन टाइम्स हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है,
और एंड टाइम जा रहा है नहीं जा रहा है पक्का। तो भाई साहब अगर मैं यहाँ पे भाई साहब दिखाई पड़ रहा है, ध्यान देना, 2s इक्वल टू अगर मैं लिखूं यहां पर कि ये सर ये सीरीज जो है एक सीरीज एन टाइम्स रिपीट हो रहा है भैया, 1+1+1+1+1+1+1 एन टाइम अगर मैं लिखूं तो क्या लिखोगे, एन लिखोगे ना पक्का। सर एन कैसे, तो सर एन इंटू वन को एन ही बोलेंगे ना। कल जाके अगर मैं बोल दूं 2+2+2+2+2+2+2+2+2+2 एन टाइम्स, तो क्या मैं 2n लिखूं या ना लिखूं, कैसे सर यहां पर मैंने लिखा था n इंटू वन एन लिखा था, सर अगर मैं n के प्लेस अगर मैं 1 पुट करता हूं तो क्या मिलेगा 2, मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म, n के प्लेस में 2 पुट किया मतलब 2 × 2 = 4, n के प्लेस में 2 पुट किया मतलब दो टर्म का मैंने सम निकाला, n के प्लेस में 3 पुट किया क्या 2 × 3 = 6, तीन टर्म का सम मिला, n इक्वल प्लेस में 4 पुट किया 8, फोर टर्म का सम मिला, तो मैं ये लिखूंगा नहीं लिखूंगा यार, अरे बोलो लिखेंगे ना। तो भाई साहब आप आगे चलो, अगर मैं इनको यहां पे हटाऊं यहां से तो क्या लिखोगे, ये एन टर्म्स हैं, ये एन टर्म्स जा रहा है नहीं जा रहा है, अरे जा रहा है क्या, तो मैं यहां लिखूंगा एन टाइम्स ऑफ 2a + n − 1 × d, कोई दिक्कत नहीं है, जब दिक्कत नहीं है तो यहां से मैं लिख सकता हूं सर s इज इक्वल टू n बाय 2 इंटू 2a + n − 1 × d। सर कैसे आया भैया, 2 को धक्का मारा इधर, धक्का मारा इनके चरणों में गिरा, तो s इक्वल टू कितना मिल गया n/2 × 2a + n − 1 × d। अब इसी को अगर कुछ लोग प्यार से इसको सॉल्व करेंगे तो मैं लिखूंगा s इक्वल टू n/2 × 2a को लिखाऊंगा मैं a + a, अरे 2a को a + a लिखेंगे क्या नहीं, + n − 1 × d, अरे हाँ, तो भाई s इक्वल टू n/2 × a भैया, और a + n − 1 × d को हम लोग बोलते हैं लास्ट टर्म, क्या बोलते हैं लास्ट टर्म, उसी को बोलते हैं हम लोग जनरल टर्म, उसी को बोलते हैं tn, अरे क्या बोलते हैं tn, कभी फ्यूचर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए और अपने को फर्स्ट टर्म दिया गया है और लास्ट टर्म दिया गया है तो फॉर्मूला लगाएंगे ये, अगर अपने को नंबर ऑफ टर्म्स दिया गया है, फर्स्ट टर्म दिया गया है, कॉमन डिफरेंस दिया गया है तो अप्लाई करेंगे फॉर्मूला ये, ठीक है, छाप लो फिलहाल, आप लोग ये छाप लो, जिनको जिनको डेरिवेशन देखना है वो वीडियोस देख लेंगे फिर से, ठीक है, फिलहाल फॉर्मूला छाप लीजिए, एस इक्वल टू n/2 × 2a + n − 1 × d। लिख लेंगे, ये लिखो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इज इक्वल टू, है ना, क्या लिखोगे, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इज इक्वल टू sn, sn बोलते हो ना, sn इक्वल टू n/2 × 2a + n − 1 × d, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स, n क्या है आपका नंबर ऑफ टर्म्स है, तो लिखना वहां प्यार से, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स, उसके बाद भाई साहब a क्या है आपका फर्स्ट टर्म, ए क्या है फर्स्ट टर्म, और डी क्या है भाई कॉमन डिफरेंस, ठीक है, और ये नहीं तो ये फॉर्मूला एस एन इक्वल टू n/2 × 1st term + last term, या n/2 × a + tn, अगर आपको फर्स्ट टर्म गिवन है लास्ट टर्म दिया गया है तो आप ये अप्लाई कर सकते हो, क्वेश्चन पे आ जाए, सम ऑफ एन टर्म्स हो गए, क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए नन्ना मुन्ना राही हूं देश का सिपाही हूं, है कि नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, पहले फर्स्ट क्वेश्चन, छोटा सा चिल्लर सा क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, फर्स्ट 22 मतलब 22, फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी, एपी मतलब आया पागल, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस,
Find the sum of first 22 terms of the AP, 8, 3, minus 2, so on. ये AP जो है आपका 22 टर्म तक गया है, 22 टर्म तक गया है, उस AP का आपने को सम निकालना है. तो सर सम निकालना है तो सम के लिए पहले सोचो, क्या सोचोगे? सोचा कि सर सम निकालना है, तो सम निकालने के लिए फॉर्मूला जो अप्लाई होगा वो अप्लाई होगा n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. क्योंकि सर आपको लास्ट टर्म तो दिया नहीं गया है, अगर लास्ट टर्म दिया रहता तो मैं डायरेक्ट अप्लाई करता था. ठीक है, यहां पर अपने को क्या क्या दिया गया है, गिवन है. क्या क्या दिया है कि अपने को a दिया हुआ है, कितना दिया भाई, a मतलब 8 फर्स्ट टर्म दिया हुआ है. क्योंकि ap है तो कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है अपने को, 3 - 8 इक्वल टू कितना मिल गया, -5. a पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, एंड नंबर ऑफ टर्म्स भी आपने को दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म्स को ये प्यार से हम लोग छोटकू n बोलते हैं. छोटकू n कितना दिया हुआ है, 22. अब फार्मूला पुट कीजिए, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर. जल्दी भाई, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट आंसर बताते हैं. एन कितना है भाई, एन कितना है, 22/2. टू ए कितना है आपका, 8 है. नंबर ऑफ टर्म्स कितना है आपका, 22 है. कॉमन डिफरेंस कितना है, -5 है. तो ये कितना मिल गया, 11, 16. और ये कितना मिल गया भाई, 11 माइनस दिस, तो -55. ठीक है, सॉल्व करो, कितना आ रहा बताओ, टोटल. ओ प्रिंटिंग मिस्टेक, 22 - 1 = 21 इनटू दिस 105. ओ माय गॉड, प्रिंटिंग मिस्टेक. बोलिए कितना मिल रहा है, -9 9, 7, 9. ओके, कितने लोग आया था, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे. ठीक है, राइट ऑन. इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज If the sum of first 14 terms of an AP is 1050, AP के first 14 terms का sum जो है वो कितना है, 1050 है. And its first term is 10. And its first term is equal to कितना दिया आपको, 10. Find द 20th टर्म. क्या निकालना है आपको, 20th टर्म निकालना है आपको. निकाल पाओगे, निकलेगा नहीं निकलेगा, क्वेश्चन में क्या क्या दिया है भाई. इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म का सम दिया हुआ है आपको, दिया है क्या, एस 14 कितना दिया आपने को, हाँ खुद से दिखा रही हो, बोले क्या क्या दिया हुआ है, हाँ तो क्या लिखोगे, हाँ 14/2 इंटू फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10. अच्छा पहले ऐसे लिख लो, बोलो बोलो गरीब बात, बोलो ऐसे निकल टू क्या लिखोगे, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटो डी. हाँ कितना, एन कितना, एस 14 ना, एस 14 कितना दिया है, 1050, 14/2. टू ए कितना है, 10. एन माइनस वन इंटो डी अपने को पता नहीं है, कॉमन डिफेंस पता है क्या, कॉमन डिफेंस पता है क्या नहीं है. हाँ तो बताओ ये कितना मिल रहा है, 1050, ये कितना मिल गया, 7 है ना, और ये कितना मिल रहा है, 20. कितना मिल रहा है, 20 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मल्टीप्लाई कर, 1050, ये कितना मिल रहा है, 140.
अरे है या नहीं है? और प्लस बोलो क्या मिल रहेगा, क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई कर, 7ND। अरे बोलो यार क्या खुशी, सही है इतना, माइनस करो उसमें कितना आ रहा है, क्या दिया हुआ है, अच्छा एन दिया है, 14 दिया है ना, सॉरी एन 14 दिया ना आपको, एन आपको 14 दिया हुआ है ना, अपन एन क्यों ले जा रहा है भाई, एन 14 दिया तो ये कितना होगा, 13 7 91 डी। हाँ यहाँ से डी बताओ कितना आएगा भाई, कितना रहा डाई, डी कितना रहा, 10 आ रहा है, डी 10 आ गया। और डी अगर 10 आ गया तो निकालना क्या अपने को, खुशी बोलेगी निकालना क्या अपने को, 28। हाँ तो वो तो क्या होगा, 20 को क्या लिखेंगे हम लोग, ए प्लस 19D। वेरी गुड, ए कितना है आपका, ए 10 है, 19D कितना है आपका, 10। तो 10 प्लस कितना मिल गया, ये 190, कितना मिल गया, 200। आया था सभी का आंसर, बैठ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स, 10 दस 10 टर्म्स टर्म्स ऑफ एन ए पीज 2, 7, 12 सो ऑन। जल्दी निकालो, सेकेंड क्वेश्चन है, -37, -33, -29, इस सब निकालना आपको 12 टर्म्स का। पर दो क्वेश्चन कर रहे हैं जल्दी फास्ट, इसको प्रैक्टिस मिला है। आया फर्स्ट का आंसर बताओ भाई, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स बोला गया है, ठीक है, तो भाई एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ए। तो भाई एस एन मतलब सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स की बात कर रहे हैं ना, 10 बाई टू इंटू 2a कितना है भाई आपका, 2a प्लस नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 10 माइनस 1 डी कितना बोला है, 7 माइनस 2 डी कितना, डी 7 माइनस 2 इज 5, तो ये मिल गया 5, 4 प्लस 9, 9, 5 जा 45, तो ये कितना मिल गया अपने को, 49। मल्टीप्लाई करो बताओ कितना आएगा आंसर, 49 × 5 = 245। क्या ये आंसर आया था सभी का? हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन करें भाई, क्वेश्चन नंबर 2, सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स, 12 टर्म्स का सम निकालना है।
आया सभी का? क्या आ रहा है ये क्वेश्चन का आंसर? माइनस 182, 183, 180. ओके हाँ भाई, नंबर ऑफ टर्म्स कितना बोला है? 12. तो 12 बाई 2 इंटू 2, ए कितना है आपका? ए कितना है? माइनस 37 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स कितना बोला है? 12. तो 12 माइनस 1 डी कितना है आपका? डी मतलब दिस टर्म माइनस दिस टर्म, तो निकालो भाई कॉमन डिफरेंस. तो माइनस 33 प्लस 37 कितना मिल गया? 4. तो कॉमन डिफरेंस कितना मिल गया अपने को? 4 मिल गया. हाँ 6. ये कितना मिल रहा है बेटा, मल्टीप्लाई करो बताओ कितना मिल रहा है? ये कितना मिल रहा है? माइनस 74. और 12 11 कितना आ रहा है? प्लस 44. सबट्रैक्ट करो कितना मिला ये? माइनस 30. आंसर इज माइनस 180. ठीक है, ये आया था ना, ये आया था ना. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए. Find the sum of first 100 terms. Find the sum of first 100 terms. 0.6, 1.7, 2.8, 200 terms तक बोला गया है. 100 terms मतलब n जो है आपका 100 है. n 100 है, tn 100 नहीं है, 100 terms की बात कर रहे हैं. ठीक है, एन जो है आपका 100 है. ओके निकाल इस सम इनका. हाँ एस एन इक्वल टू क्या लिखोगे भाई? एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. एन कितना है आपका? 100 बाई 2 2a, a मतलब फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म कितना है आपका? 0.6. नंबर ऑफ टर्म्स कितने भाई? 100 माइनस 1. कॉमन डिफरेंस की बात कर रहा हूं अगर मैं, 1.7 माइनस 0.6 कितना मिलेगा भाई? अरे भैया कॉमन डिफरेंस 1 कितना? 1.7 माइनस 0.6 का कॉमन डिफरेंस कितना? 1.1. हाँ तो 1.1 इज द कॉमन डिफरेंस. तो एक मल्टीप्लाई कर दो 50, ये कितना मिल गया भाई? 1.2 है ना. फिर प्लस 99 इंटू 1.1 मल्टीप्लाई कर बता कितना मिल रहा है. 99 इंटू 11 करो कितना मिल रहा है जल्दी फास्ट? क्या पूरा टोटल ये कितना? 108.9 ये मिल रहा है क्या? ऐड कीजिए इसको. फाइनल आंसर बताओ. फाइनल आंसर 60604. यही आ रहा क्या सभी का? कितने लोगों का आंसर पक्का ना? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे. फाइंड द सम ऑफ, सब निकालो भाई पहले. चले हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेगा फटाफट. ये फाइंड द सम ऑफ 1/15, 1/12, 1/10, 2, 11 टर्म्स. कहां तक भाई? 11 टर्म्स का सम निकालना है आपको. क्या किसने बोला था भाई? हाँ बोल कितना आ रहा है? 5.05. पॉइंट नहीं है, पॉइंट हट जाता है क्या? चलिए हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे.
फाइंड द सम ऑफ 11 टर्म्स. आ गया कमेंट में बताओ कितना आ रहा है. एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. सही है ना भाई. तो एस एन मतलब आपका एस एलेवन की बात कर रहे हैं अपन. एलेवन बाई टू इंटू टू ए. ए मतलब आपका वन अपॉन फिफ्टीन है. नंबर ऑफ टर्म्स आपका एलेवन माइनस वन है. एंड कॉमन डिफरेंस आपने निकाला कितना रहा बेटा. कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा. कोई निकाला है कि नहीं निकाला. मैं बताऊँ निकाल के कितना. हाँ कितना मिल रहा है ये. वन बाई सिक्सटी. ये आ रहा कॉमन डिफरेंस पक्का. वन अपॉन सिक्सटी. एलेवन बाई टू टू अपॉन फिफ्टीन. हाँ ये कितना मिल गया. टेन अपॉन सिक्सटी. सॉल्व कर ले बेटा फटाफट. टू अपॉन फिफ्टीन प्लस वन बाई सिक्स. सॉल्व करिए. एलसीएम आता निकालना भाई आपको. हाँ फिफ्टीन एंड सिक्स का एलसीएम कितना मिलेगा. अरे भैया 15 और 6 का एलसीएम निकालना. कित मारूंगा 30. एलसीएम 30. हाँ हाँ ही हाँ. हाँ 11 बाई टू इंटू 9 अपॉन 30. सॉल्व कर ले इसको. 11 बाई टू क्या मिलेगा ये आपका बताओ. थ्री थ्री जा नाइन. थ्री टेन जा थर्टी. सही है. तो क्या मिल गया. थ्री अपॉन टेन. अरे हाँ तो 33/20. ये आंसर आया है सभी का पक्का. ठीक है. तो सर एक्सरसाइज आपका 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है आपका. एक्सरसाइज ये था आपका एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 में. 3 क्वेश्चंस थे. कितने थे. 4 क्वेश्चंस थे. ठीक है. वो 4 क्वेश्चंस आपके हो गए. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 विदाउट इंस्ट्रक्शन आप कॉपी हाँ बंद कर लेते हो. इस उसी का देना. मैं और आगे खींच रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 में भाई इसी में 5.3 में क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे. ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है. इसमें क्या है आपका एपी में फर्स्ट टर्म दिया जाएगा और लास्ट टर्म दिया जाएगा. क्या दिया जाएगा आपको. फर्स्ट टर्म दिया जाएगा और लास्ट टर्म भी दिया जाएगा. आपको बोला है फाइंड द सम ऑफ सम निकालना है आपको. तो भाई कॉमन डिफरेंस कितना है आपका. कॉमन डिफरेंस का जरूरी पड़ेगा क्या. नहीं तो क्या रिक्वायरमेंट क्या पड़ने वाला अपने को. नंबर ऑफ टर्म्स का निकालने का जरूरत पड़ रहा है. क्या निकलेगा आपका. नंबर ऑफ टर्म्स. तो नंबर ऑफ टर्म्स जब निकालोगे तो वहाँ कॉमन डिफरेंस तो लगेगा ही आपको. तो कॉमन डिफरेंस कितना है सीबी का. अरे गद्दू राम एक बाम तीन काम. 21/2 14 लास्ट में 84. कॉमन डिफरेंस कितना है सीबी का. ऐसे देख के मालूम पड़ेगा. सॉल्व कर. देख लो इसे 7/2. तो डी कितना मिल रहा है आपका 7/2 कॉमन डिफरेंस. सर कैसे निकालेंगे. निकाल ये भी नहीं पता गधूराम. देख ये मिलेगा 7/2. देख रहा है इसे कॉमन डिफरेंस मिल गया 7/2. फर्स्ट टर्म कितना है भाई. ए आपको फर्स्ट टर्म है 7 है ना.
नंबर ऑफ टर्म्स अपने को बताया क्या? नहीं, तो फर्स्ट नंबर ऑफ टर्म्स निकालना पड़ेगा। तो टी एन इक्वल टू क्या लिखोगे? ए प्लस एन माइनस वन एन डो डी। टी एन मतलब लास्ट टर्म अपने पता है कितना है भाई, 84 दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म 7 है, नंबर ऑफ टर्म्स अपने मला माहित नहीं, पता ही नहीं अपने को भाई, एंड डी कितना है आपका 7 है, सॉल्व कर ले भाई। तो 84 माइनस 7 इक्वल टू 7 एन माइनस 7, अरे हाँ। तो अब भैया मैं इसको सब्ट्रैक्ट भी नहीं करूँगा, इसको मैं कहाँ बेटा, ओ प्रिंटिंग मिस्टेक बेटा, प्रिंटिंग मिस्टेक बेटा, प्रिंटिंग मिस्टेक, हाँ 7/2 बेटा कॉमन डिफरेंस, हाँ। तो क्या मिल जाएगा अपने बताओ, 7n/2 माइनस 7/2, अब तो भैया करना ही पड़ेगा, बताओ ये कितना मिला, 84 माइनस 7 कितना मिल गया अपने को, 77, हाँ पक्का, प्लस 7/2 इक्वल टू 7n/2, तो उसका एलसीएम ले लिया 2, ये कितना मिल गया आपको, 1144 मिल गया आपको, 1154 ना, और प्लस 7 इक्वल टू 7n/2, ये 2 कैंसिल हो गया भाई, तो 154 प्लस 7 कितना हो गया आपका, 161 इक्वल टू 7n, तो n इक्वल टू कितना मिल गया, कितना 23, n निकल गया आपका 23, नंबर ऑफ टर्म्स 23 है, ठीक है। अब सम निकालना है, क्या निकालना है, सम, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना आया 23, अगर सम निकालना हो, अगर अपने को लास्ट टर्म पता हो और फर्स्ट टर्म पता हो तो सीधा अप्लाई करना फॉर्मूला, क्या SN इक्वल टू क्या लिखोगे, SN इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स 23 डिवाइड बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, सॉल्व कर ले डायरेक्टली, 23 डिवाइड बाई 2, 84 प्लस 7 कितना होता है भाई, 84 प्लस 7 91, बस इनको मल्टीप्लाई कर ले और प्रभु का गुण गा, जो भी आएगा वो ANS होगा, क्या होगा वो आंसर, मल्टीप्लीकेशन आता है क्या, मल्टीप्लीकेशन आता है क्या, पक्का सोच ले, बता क्या आएगा, जल्दी बता फटाफट, जल्दी से, सभी का आंसर सही आना चाहिए, हाँ कितना मिला दे बताओ, कितना 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 कितना, 20 कैलकुलेशन बताओ भाई, 23 इंटू 91 ये नहीं आ रहा है कैलकुलेशन, हाँ बोल 20 क्या 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 क्या, हाँ पूरा बताइए, 1046 पॉइंट मत बताओ मेरे को, 2093/2 सही है, हाँ पॉइंट में क्या निकाल रहा है भाई, चलिए ठीक है सर, इसके बाद का क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, ओके थैंक यू।